हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जयपुर समाचार में आपका स्वागत है। जयपुर में हुई भयंकर बारिश से 22 गोदाम पर स्थित परिवहन भवन के सामने निर्माणाधीन बेसमेंट में पानी भर गया। पानी भरने से दो मकानों की दीवारें ढह गई। दरअसल जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 2:45 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि 22 गोदाम पर परिवहन भवन के सामने एक निर्माणाधीन बेसमेंट का काम चल रहा है। शनिवार सुबह से हो रही भयंकर बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण निर्माणाधीन बेसमेंट में पानी भर गया। निर्माणाधीन बेसमेंट के पास बने दो मकानों के नीवे में भी पानी भर जाने से दीवारें ढह गई। इसी दौरान सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू कर निर्माणाधीन बेसमेंट के आसपास के सभी मकानों को एहतियात तौर पर खाली करवा दिया गया, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मंडपम की मदद से पानी को बेसमेंट से बाहर निकाला। इस घटना में कोई भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। सो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है, ताकि समाज में घटित होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।